नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक पी न्यूज़। आज की जो घटना है वो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से है, जहां पर एक व्यक्ति के साथ एक ऐसी घटना घटती है जो कि शायद वो आपके साथ भी घट चुकी हो। इस घटना के बारे में मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति आता है ट्रेवल करके, काफ़ी दूर से आता है, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरता है, रेलवे स्टेशन के बाहर निकलता है, वहाँ पर उसे वॉशरूम जाना होता है, उसे शौचालय यूज करना होता है, बट वो पैड शौचालय होता है जहाँ पर पैसे देकर इंसान को शौच करने दिया जाता है। उसी बीच वो अंदर जाता है और जो उसका मालिक होता है उससे एक पर्ची कटवाता है, 5 रुपए की पर्ची कटाता है पेशाब करने की, जो कि लेटरिंग करने का 10 रुपए की पर्ची होती है। 5 रुपए की पर्ची कटाने के बाद कैबिन नंबर 1 में जाना होता है, जो कि उसके जस्ट करीब में, उसके पास में होता है, जो मालिक उसका बैठा होता है उसके पास में ही उसकी कैबिन होती है। कैबिन में वो चला जाता है, 1 मिनट से 2 मिनट बीतता है, 2 से 3 मिनट बीत जाता है और मालिक पर्ची काटने में, रसीद काटने में बिजी होता है। उसी बीच उसके मन में एक शंका आती है कि ये व्यक्ति गया था पेशाब करने, काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक बाहर नहीं आया। तब तक भर में अंदर से एक आवाज़ आती है, जो कि वो उसके पाद की आवाज़ होती है। उसकी पाद की आवाज़ सुनते ही वो उसका मालिक अंदर दौड़ पड़ता है, लेकिन उसे शंका ही होता है और इस बीच वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जब वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है, उसी बीच फिर से एक बहुत भयानक आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को सुनकर उसका मालिक गेट खटखटाने लगता है और तुरंत वहीं पर काफ़ी स्ट्रिक्ट होके बोलता है कि आपने पैसे दिए 5 रुपए पेशाब करने के, आप कैसे कर रहे हो लेटरिंग। अब उसको गेट खटखटाने लगता है, वो काफ़ी बार बोलता है कि मैं बाहर आके आपसे बात करता हूँ, लेकिन इस बात से मालिक बिल्कुल चिढ़ जाता है। पूरे 5 रुपए का सवाल था, 5 रुपए क्या, जिससे एक व्यक्ति और भी जाकर पेशाब कर सकता था। पूरे एक व्यक्ति और 5 रुपए के सवाल के चक्कर में शौचालय का जो मालिक था, वो मालिक डायरेक्ट पुलिस को बुला लेता है, पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब तक व्यक्ति अंदर से बाहर निकलता है, उसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, तब तक पुलिस उसके सामने खड़ी होती है और पुलिस के सामने जाकर जब वो अपनी सारी स्टेटमेंट बताता है कि मैं यहाँ से ट्रेवल कर रहा था और ऐसे ऐसे सिचुएशंस थे जिसकी वजह से मेरे पास चेंज ना होने के कारण मैं अंदर आया, फिर भी जो शौचालय का मालिक था उसको मंजूर नहीं था ये बात और उसने गिरफ्तार करवा दिया। फिर भी वो अभी जेल में गया, जेल के बाद भी उसे मालिक को संतुष्टि नहीं हुई, मालिक ने उसको कोर्ट तक पहुंचा दिया और ये इसका फैसला कोर्ट में होगा। अभिषेक पी टीम से सारी स्टेटमेंट उसके मालिक ने बताया और कोर्ट का फैसला जल्द ही आने वाला है, जैसे आता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ऐसे घटना के लिए आप भी सतर्क हो जाएं, शायद आप ट्रैवल करें, कुछ भी करें, फिर भी आप अब चेंज कुछ ले कर चलें। ऐसी घटना हो गई, वो व्यक्ति वहाँ पर उतरा था, गलती से उसे पेशाब लगा था और गलती से ही उसे लेटरिंग लगी और गलती से वो सब कर बैठा। ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो या कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो या कोई भी दिक्कत आती है, तो आज के डेट में सिटी के अंदर मुफ्त शौचालय भी बना दिया गया है। आप पैड शौचालय में जाने से पहले या तो चेंज लेके जाइए या फिर मुफ्त शौचालय यूज कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।